हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लव ट्यूटोरियल्स कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एल के जी एग्ज़ाम शीट एल के जी के बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इंग्लिश हिंदी मैथ ई इन सभी सब्जेक्ट्स में जो जो टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड बच्चों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ जो एल के बच्चों को एग्ज़ाम में कराए जाते हैं तो आप चाहें तो इनकी हेल्प से बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ईजीली करा सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो so, सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो है इंग्लिश का सो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द गिवन लेटर्स यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं बच्चों को इन्हें ट्रेस करना होता है नीट एंड क्लीन राइटिंग में सेकेंड क्वेश्चन है टिक द पिक्चर दैट बिगिनस विद द अल्फाबेट साउंड यहाँ पे जो लेटर दिया गया है हमें इससे रिलेटेड जो पिक्चर है उसको टिक करना है जैसे कि लेटर एफ तो यहाँ पे कौन सी पिक्चर लेटर एफ से बिगिन होती है सो एफ फॉर फेश तो बच्चे को फेश को टिक करना है इस तरीके से जी है तो बच्चे को ग्रेप्स को टिक करना है जे है तो जे फॉर जग जग को टिक करना है एम है तो एम फॉर मैंगो को टिक करना है एंड आर है तो रैबिट को टिक करना है थर्ड क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर ऑफ गिवन पिक्चर यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके जो मिसिंग लेटर हैं बिगनिंग लेटर्स हैं उनको हमें फिल करना है जैसे कि यहाँ पे है कप तो कप का बिगनिंग लेटर कौन सा है सी सी यू पी कप कार, तो कार पॉट पॉट सन सन लिप लिप नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लास्ट लेटर ऑफ पिक्चर यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई है बच्चे को इसका लास्ट लेटर जिस लेटर से ये एंड होता है वो लेटर बच्चे को यहाँ पे लिखना है जैसे कि ये है बैट तो बैट का एंडिंग साउंड क्या है ट तो, यानी कि बच्चे को यहाँ पे लिखना है टी इस तरीके से फैन न तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है एन कैप पी सीपी कैप हट एच यू टी हट पेन न तो यहाँ पे बच्चे को एन लिखना है इस तरीके से पिन पी आई एन पिन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट वॉवेल ऑफ पिक्चर तो यहाँ पे बच्चे को जो पिक्चर्स दी है इनका करेक्ट वॉवेल फिल करना है जैसे कि ये है हैट तो हैट में ए का साउंड आ रहा है यानी कि बच्चे को यहाँ पे लिखना है ए तो एच ए हैट बेन सो बी आई एन बिन फिर हैन एच ई एन हैन -e लॉग तो यहाँ पे कौन सा वॉवल आएगा ओ ए जी लॉग टैप टी -ए पी टैप सन एस यू एन सन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रामिंग वर्ड्स ऑफ गिवन वर्ड्स यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जैसे कि यहाँ पे है बी ई डी बैट सो आर ई डी रेड सी यू टी कट एच यू टी हट एस आई टी सिट पी आई टी पिट एम ए एन मैन एफ ए एन फैन एन ओ टी नॉट एच ओ टी हॉट लास्ट क्वेश्चन है मैच द पिक्चर विद देयर नेम यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं इनको हमें इनके नेम से मैच करना है जैसे कि ये है टॉप तो बच्चे को टौप को टॉप टॉप से मैच करना टी ओ पी टॉप बैग सो बी जी, बैग वन बी एन वन पॉट टी पॉट लिप एल आई पी लिप सो ये था इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर तो चलिए अब हम देख लेते हैं एल के जी के बच्चों का मैथ क्वेश्चन पेपर सो so, पहले बच्चों को दिया जाता है कुछ इस तरीके से राइट द मिसिंग नंबर्स यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए जाते हैं बच्चों को जिन्हें बच्चों को कंप्लीट करना है जैसे यहाँ पे दिया है ट्वेंटी वन टू थर्टी बच्चे को कंप्लीट करना है एंड फिफ्टी वन टू सिक्सटी तो बच्चे को इस सीक्वेंस को पूरा करना है फिर आता है वट कम्स आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन बच्चों को यहाँ पे आफ्टर नंबर बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर लिखने होते हैं जैसे सिक्सटीन के बाद कौन सा नंबर आता है सेवनटीन नाइनटीन के बाद ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन के बाद ट्वेंटी एट इस तरीके से ट्वेल्थ से पहले कौन सा नंबर आता है इलेवन ट्वेंटी फाइव से पहले ट्वेंटी फोर थर्टी नाइन से पहले थर्टी एट अब यहाँ पे है बिटवीन नंबर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सेवन के बीच में कौन सा नंबर आता है सो ट्वेंटी सिक्स थर्टी वन थर्टी थ्री के बीच थर्टी टू फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सेवन के बीच फोर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है बच्चे को उसे सर्कल करना है एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है फिर आता है मैच द फॉलोइंग बच्चे को ये जो ऑर्जिनल नंबर दिए हुए तो नंबर को उनकी स्पेलिंग से मैच करना है फिर आता है पुट द करेक्ट साइन यहाँ पे बच्चे को ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू का साइन पुट करना होता है नंबर्स के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे है सेवन एंड यहाँ पे है टू सो सेवन इज बिगर देन टू तो बच्चे को यहाँ पे साइन को पुट करना है जो सेवन की तरफ ओपन रहता है इस तरीके से यहाँ पे ट्वेल्व एंड ट्वेंटी वन में जो नंबर बिग है उसके तरफ बच्चों को साइन पुट करना है यहाँ पे फिफ्टीन यहाँ पे भी है फिफ्टीन तो ये दोनों नंबर इक्वल होते हैं इसलिए बच्चों को यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट करना है फिर आता है फिलिंदा ब्लैंक्स बच्चों को यहाँ पे नंबर नेम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे कि यहाँ पे है फिफ्टीन बच्चे को यहाँ पे नंबर लिखने हैं यहाँ पे भी एटीन है तो बच्चे को यहाँ पे एटीन लिखना है यहाँ पे बच्चे को ट्वेंटी वन नंबर दिया गया है बच्चे को यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है सो इस तरीके से बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है सेवंथ क्वेश्चन है एड बच्चों को यहाँ पे कुछ एडिशन दिए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को उसे काउंट करके लिखना होता है जैसे कि यहाँ पे थ्री स्टार है सो थ्री स्टार प्लस थ्री स्टार इक्वल टू सिक्स स्टार इस तरीके से टू ट्राइंगल प्लस थ्री ट्राइंगल इक्वल टू फाइव ट्राइंगल तो इस तरीके से बच्चों को सारे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है एंड उसे लिखना है नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट बच्चे को यहाँ पे क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट यानी कि जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं उतने ऑब्जेक्ट को क्रॉस आउट करना है यहाँ पे जैसे कि दिए गए हैं नाइन मैंगोज एंड बच्चे को सेवन मैंगो को क्रॉस आउट कर देना है फिर जितने भी मैंगो बचते हैं वो बच्चे को यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखना होता है इस तरीके से यहाँ पे है इलेवन बॉल्स इलेवन बॉल्स में से फोर बॉल्स को बच्चों को क्रॉस आउट करना है फिर जो बॉल बचते हैं बच्चे को वो यहाँ पे लिखना होता है फिर आता है मल्टीप्लाई यहाँ पे टेबल रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे कि बच्चों को लिखना है टू इंटू फाइव यानी कि टू फाइव जा टी एट थ्री सिक्स जान फोर एट जा थर्टी टू सो इस तरीके से बच्चों को मल्टीप्लाई दिए जाते हैं फिर है राइट द करेक्ट टाइम बच्चों को यहाँ पे क्लॉक बना के दिया जाता है एंड जो टाइम यहाँ पे शो हो रहा है बच्चे को वो टाइमिंग यहाँ पे लिखना होता है जैसे अभी टाइम क्या दिखा रहा है इसमें टू ओ क्लाक तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है टू ओ क्लॉक इस तरीके से यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है टेन ओ क्लॉक सो तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है टेन ओ क्लॉक तो चलिए देखते हैं कि एल के जी के बच्चों को हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं सो फर्स्ट है वर्णों के क्रम को पूरा करें बच्चों को यहाँ पे कुछ वर्ण दिए जाते हैं जिनके क्रम को बच्चे को पूरा करना है जैसे यहाँ पे क तो क से लेखेगा तक जितने भी व्यंजन होते हैं बच्चों को वो लिखने है जैसे क ख ग घ च छ ज य ट ठ ड ण तो इस तरीके से बच्चों को वर्णों के क्रम को पूरा करना होता है फिर सेकंड है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखे बच्चे को यहाँ पे चित्र को देखकर उसका पहला अक्षर लिखना है जैसे चम्मच है तो चम्मच किससे शुरू होता है च से तो च से चम्मच से षटकोण इस तरीके से बच्चों को चित्र को देखकर पहला अक्षर लिखना होता है फिर आता है अक्षरों को जोड़कर लिखे जैसे यहाँ पे घ प्लस र तो घ मिला के हो जाता है घर न प्लस ल मिला के हो जाता है नल मटर मटर गरम अध बरगद नेक्स्ट क्वेश्चन है समान लय वाले शब्दों के जोड़े बनाओ जैसे यहाँ पे है नरम तो नरम से मिलता जुलता जो वर्ड है बच्चे को उसे मैच करना है जैसे नरम गरम, नथ पथ झटपट कटपट, चमक नमक तब, सब फिर है यहाँ पे चित्र देखकर उनके नाम लिखे बच्चों को जो चित्र दिया गया है उसका यहाँ पे बच्चों को नाम लिखना है जैसे ये है कमल तो बच्चे को लिखना है कमल हल मटर बर्गर शलगम एंड घर शब्दों को सही क्रम में लिखें। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ये उल्टे सीधे क्रम में लिखे बच्चों को इसे सही करके लिखना है जैसे यहाँ पे रबतन तो बच्चे को इसे सही करके लिखना है बर्तन टनब बटन चित्र देखकर सही शब्द पर गोला करें यहाँ पे बच्चे को जो चित्र दिया गया है उसका जो सही शब्द है उस पर बच्चों को गोला करना है जैसे ये खत तो बच्चे को खत को गोला करना है सड़क तो बच्चे को सड़क पे गोला करना है इस तरीके से ये अजगर तो बच्चे को अजगर को गोला करना है बर्तन उसको गोला करना है इस तरीके से कलम तो कलम कहा लिखा है कमल और कलम में से जो तो सही शब्द है उसको गोला करना है फिर यह चित्रों के द्वारा वाक्यों को पूरा करें। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसके द्वारा यहाँ पे वाक्यों को पूरा करना है जैसे यहाँ पे है बस तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है बस बस पर चढ़ घर सो घर तक चल खत खत पढ़कर रख नरम नरम मटर चक सड़क पर मत चल तो ये हो गया हिंदी का क्वेश्चन पेपर अब हम देखेंगे ईवीएस क्वेश्चन पेपर सो ईवीएस में बच्चों को कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं राइट वी फॉर वेजिटेबल एंड एफ फॉर फ्रूट यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है उनके लिए हमें वी लिखना है और फ्रूट के लिए हमें एफ लिखना है सो एप्पल फ्रूट है तो बच्चे को एफ लिखना है रेडिश एक वेजिटेबल है तो वी लिखना है मैंगो फ्रूट एफ चेरी भी फ्रूट है तो एफ पीस वेजिटेबल है तो वी लिखना है फिर आता है टिक द हेल्दी फूड एंड क्रॉस द जंक फूड जो हेल्दी फूड है उन्हें टिक करना है और जंक फूड है वो उन्हें हमें क्रॉस करना है सो आइसक्रीम जंक फूड है क्रॉस कर दिया एप्पल हेल्दी फूड है टिक करना है कैंडी भी जंक फूड है समोसा जंक फूड है स्पिनच हेल्दी फूड है टोमेटो भी हेल्दी फूड है फिर आता है मैच द एनिमल विद इट्स होम जो एनिमल्स हैं उनके होम से हमें इसको मैच करना है यहाँ पे एंट है सो एंट लिव्स इन हाइव तो एंट को हाइफ से मैच करना है मंकी मंकी लिव्स ऑन ट्री तो ट्री से मैच करना है डॉग लिव्स इन कैनल बर्ड लिव्स इन नेस्ट स्पाइडर लिव्स इन वेब ने सर्कल द लिविंग थिंग्स यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है बच्चों को उसे सर्कल करना है जैसे कि ये नॉन लिविंग है ये लिविंग है तो इसे सर्कल करना है बलून नॉन लिविंग है फिश लिविंग है ट्री लिविंग है पेंसिल नॉन लिविंग है बॉल भी नॉन लिविंग है कैट लिविंग थिंग है इस तरीके से सन नॉन लिविंग है एप्पल नॉन लिविंग है बॉय लिविंग है फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं इनकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है सो वी सी विद आर आई हम किसे देखते हैं आई से सो वी हियर विद आर किसे सुनते हैं ईयर से सो ईयर वी स्मेल विद आर नोज वी टेस्ट विद आर टंग वी फील विद आर स्किन नेक्स्ट है मैच द पिक्चर दैट टुगेदर यहाँ पे जो रिलेटेड थिंग्स हैं उनसे हमें मैच करना है जैसे कि यहाँ पे है ब्रश तो ब्रश को हमें टूथपेस्ट से मैच करना है लॉक तो लॉक को हमें की से मैच करना है बैट एंड बॉल शूज एंड सॉक्स बुक एंड पेंसिल फिर है राइट डब्ल्यू फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ए फॉर एयर ट्रांसपोर्ट एंड एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट है जैसे कि यहाँ पे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन क्या है एक एयर ट्रांसपोर्ट है तो बच्चे को यहाँ पे लिखना है ए शिप क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट है तो बच्चे को यहाँ पे डब्ल्यू लिखना है कार क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे एल लिखना है हेलीकॉप्टर क्या है एयर ट्रांसपोर्ट है तो ए लिखना है ट्रेन क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट है तो एल लिखना है इस तरीके से बोट वाटर ट्रांसपोर्ट डब्ल्यू लिखना है और बस लैंड ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे एल लिखना है फिर दिया है टिक द आर नेशनल सिम्बल्स यहाँ पे बच्चों को जो नेशनल सिम्बल्स दिए गए हैं उनको टिक करना है जैसे कि यहाँ पे नेशनल फ्लावर तो हमारा नेशनल फ्लावर क्या है लोटस तो बच्चे को लोटस को टिक करना है नेशनल स्पोर्ट हॉकी नेशनल फ्रूट मैंगो नेशनल फ्लैग ट्राई कलर फिर यहाँ पे दिया हुआ है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट यहाँ पे जो प्लांट दिया गया है इनका फर्स्ट लेटर लिख के बच्चों को प्लांट्स के नेम को कंप्लीट करना है जैसे कि यहाँ पे दिया है फ्लावर तो बच्चे को फ्लावर यानी कि एफ लिखना है और इस नेम को कंप्लीट करना है इस तरीके से फ्रूट तो बच्चे को यहाँ पे एफ लिखना है फिर आता है स्टेम स्टेम किस लेटर से स्टार्ट होता है एस फिर यहाँ पे है रूट तो रूट के लिए हम क्या लिखेंगे आर लीफ लीफ के लिए लिखेंगे हम एल सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू एल के जी एग्जाम शीट सो इन एग्ज़ाम शीट की अरफ से आप चाहें तो अपने बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही ईजीली करा सकते हैं सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग